मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जब 100 दिन से भी कम समय बचा है, ऐसे में एक निजी समाचार चैनल के सर्वे में प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा विधायकों के साथ सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर सकती है। आइए वीडियो के जरिए समझते हैं कि कैसे बनेगी किसकी सरकार। नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ कुणाल। मध्य प्रदेश में कुछ समय बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन फिलहाल एक ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। ये ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के न्यूज चैनल IBC24 ने कराया है। मध्य प्रदेश के लिए इस ओपिनियन पोल को IBC24 ने ऑनलाइन कराया है और इसमें राज्य के 30,000 लोगों ने अपनी राय दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले ये ओपिनियन पोल क्या कहता है। IBC24 के ओपिनियन पोल के मुताबिक 51% लोगों ने शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन को बीजेपी सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना बताई है, तो वहीं 24% लोगों ने लाडली लक्ष्मी और 25% ने सीएम रोजगार को लोकप्रिय माना है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी मध्य प्रदेश की जनता से कुछ वादे किए गए हैं, उस पर भी लोगों ने अपनी राय रखी है। कांग्रेस की तरफ से किसान कर्ज माफी के वादे के पक्ष में 37% लोग दिखे। वहीं महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने के वादे के पक्ष में 7%, पुरानी पेंशन योजना फिर लागू करने के पक्ष में 27% और 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने के कांग्रेस के वादे के साथ 29% लोग इस ओपिनियन पोल में दिखे हैं। अगर बात करें सीएम कैंडिडेट की तो 49% लोगों ने अपनी पसंद मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान को बताया है। कांग्रेस के कमलनाथ को बतौर सीएम 44% लोग देखना चाहते हैं। अन्य के पक्ष में महज 7% लोग हैं। ओपिनियन पोल में लोगों से पूछा गया कि आप वोट किस आधार पर देंगे, तो 15% लोगों ने कहा कि वो सीएम कैंडिडेट के नाम पर वोट देंगे। वहीं 25% ने पार्टी, 43% ने विधायक और प्रत्याशी, 1% ने जाति और 16% ने अन्य मुद्दों पर वोट देने की बात कही है। ओपिनियन पोल में ये भी सवाल पूछा गया कि अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन है, तो इस पर 53% लोगों ने विधायक को, 30% ने राज्य सरकार को और 3% ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है। वहीं 14% लोगों का कहना है कि इस बारे में वो कोई अपनी राय नहीं देंगे। वहीं ओपिनियन पोल में पूछा गया कि क्या इन पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में विकास हुआ, तो इस पर 18% लोगों ने कहा कि अच्छा विकास हुआ है, 22% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा विकास हुआ और 51% ने कहा कि कोई विकास नहीं हुआ, जबकि 9% ने इस बारे में अपनी राय नहीं दी। और आखिर में ओपिनियन पोल में लोगों से पूछा गया कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो इस पर लोगों ने जो राय दी उसके हिसाब से बीजेपी को 110 से 120 सीटें, कांग्रेस को 101 से लेकर 110 सीटें और अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें मिलने की उम्मीद है। अगर इस तरह ओपिनियन पोल अगर सही बैठा तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो आपके हिसाब से मध्य प्रदेश का गणित और क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।